अच्छा, ये देश के हिंदुओं से ही पता कर लेते हैं कि राहुल गांधी के बयान से हिंदुओं का कितना अपमान हुआ है। हिंदुओं का अपमान किया क्या? बिल्कुल नहीं, बीजेपी का अपमान है इसके अंदर। जो बीजेपी का हिंदू है, देश का हिंदू बनो, बीजेपी का हिंदू मत बनो। मणिपुर में जब औरतों को विवस्त्र करके घुमा रहा था तो वो हिंदू तो नहीं थे कि जो लेडी थी वो कौन सी मजहब की थी? तो फिर उसका भी जवाब दे नरेंद्र मोदी जी, बराबर। वो तो कोई किसी की माँ बहन भी होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहू होगी, तो उनको जब नंगा करके सड़क पे घुमा रहे थे तब हिंदुत्व कहाँ गया था? जय मसीह की। दोस्तों, अभी एक बवाल जो कि मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है वो ये कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बोल दिया। मैंने आपको ये वीडियो अपने चैनल से दिखाया था जिसमें राहुल गांधी यीशु मसीह की तस्वीर को लेकर के बताते हैं और भी धर्मों की तस्वीरों को लेकर के बताते हैं कि कोई भी धर्म हमें हिंसा करना नहीं सिखाता है, सब हमें शांति फैलाना और शांति से चलना सिखाते हैं, अहिंसा सिखाते हैं। तो उसी वीडियो में दोस्तों राहुल गांधी ने ये बात बोली थी कि जो सामने हमारे लोग बैठे हैं, जो बीजेपी के लोग, जो नेता बैठे थे इनके, कि ये लोग 24 घंटा नफरत नफरत करते हैं, हिंसा हिंसा करते हैं। जो अपने आप को ये हिंदू बोलते हैं ये हिंसा हिंसा करते हैं। और ये बात बिल्कुल भी छुपी नहीं है, बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो कि हिंसक बयान देते हैं। मैं आपको सबूत के साथ दिखा सकता हूँ, मेरे चैनल पर ही बहुत सारी ऐसी वीडियोज डली हैं जिसमें बीजेपी के नेता क्रिश्चियनों को लेकर के गले काट देने तक के बयान दे चुके हैं। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं थी, लेकिन अब उसका इशू बना दिया है कि हिंदुओं को बोला गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदुओं को नहीं बोला गया था, बल्कि उन लोगों को बोला गया था जो हिंसा फैलाते हैं हिंदुत्व के नाम पर, जैसे बेरोजगार दल के लोग हो गए, ज्योति शर्मा जैसे लोग हो गए, जो कि मारने पीटने की बात दूसरे धर्म के लोगों के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं। ये उन लोगों के लिए बोली गई थी, बीजेपी के हिंदू माइंडेड नेताओं के बारे में बोली गई थी जो कि राहुल गांधी ने बोली थी। तो जो बीजेपी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब उसको तोड़ मोड़ करके लोगों के सामने रख रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी ने तो हिंदुओं को गलत बोल दिया। इसी बात पे दोस्तों रिपोर्टर है एक जो कि हिंदुओं के ही बीच में जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी ने आपको गलत बोला है? तो वो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अच्छा, ये देश के हिंदुओं से ही पता कर लेते हैं कि राहुल गांधी के बयान से हिंदुओं का कितना अपमान हुआ है। क्या बोलते हैं, पब्लिक शो देखना शुरू कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने तमाम तस्वीरें दिखाई आज सदन में और कहा कि बीजेपी इस प्रकार से काम करती है, भगवान का अपमान करती है, लेकिन बीजेपी कह रही है हिंदुओं का अपमान कर दिया है। हम दो टाइप के लोग हैं इंडिया में, एक पॉलिटिकल हिंदू और एक हिंदू है। तो जो पॉलिटिकल हिंदू है वो भाजपा के साथ है, और जो नॉर्मल हिंदू हैं वो अपने धर्म को अलग मानते हैं और राजनीति को अलग मानते हैं, जैसे हम हैं। लेकिन पीएम मोदी ने कहा है कि हिंदुओं को हिंसक कहना हिंदुओं का अपमान है। नहीं, वो तो हिंदू समाज का। नहीं, हिंदू समाज वो उनको भी दिक्कत ये है ना, वो सोचते हैं सिर्फ वही हिंदू है। हम भी तो हिंदू है, हम तो नहीं मान रहे उस बात का पूरा। सिर्फ मोदी जी तो हिंदू नहीं है ना, जैसे राहुल गांधी ने भी तो ये बात बोली, सिर्फ मोदी जी थोड़ी हिंदू है। क्या राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया क्या? बिल्कुल नहीं, बीजेपी का अपमान है इसके अंदर। जो बीजेपी का हिंदू है, देश का हिंदू बनो, बीजेपी का हिंदू मत बनो। उन्होंने क्या कहा लगातार है? या तो लोग यहाँ गलत एंगल से इस बात को दोहरा रहे हैं बार बार। जब राहुल गांधी ने सभी धर्म गुरुओं के बारे में बताया कि कौन सा धर्म गुरु क्या कहता है, उन्होंने कहा है कि कोई भी हिंसा का साथ नहीं देता, सबने अहिंसा का साथ दिया है, डराओ मत और ना डरो। उन्होंने यही लगातार हर अपनी बात के अंदर कहा है। मणिपुर में जब औरतों को विवस्त्र करके घुमा रहा था तो वो हिंदू तो नहीं थे कि जो लेडी थी वो कौन सी मजहब की थी? तो फिर उसका भी जवाब दे नरेंद्र मोदी जी, बराबर। वो तो कोई किसी की माँ बहन भी होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहू होगी, तो उनको जब नंगा करके सड़क पे घुमा रहे थे तब हिंदुत्व कहाँ गया था? अभी दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया, आपको ये लगता होगा कि मैं आपको आखिर ऐसी वीडियोस क्यों दिखा रहा हूँ, ये तो पॉलिटिक्स की न्यूज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये हमसे भी रिलेट करती है। आपने अभी इस वीडियो को सुना, आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं, जो आज हिंदू लोग हैं, उनको भी इस बात के बारे में पता है जो मणिपुर में मसीह महिलाओं के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, वो होना किसी भी तरीके से नहीं चाहिए था, आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं। मैंने आपको इलेक्शन के समय भी दिखाई थी वीडियोस जिसके अंदर इंटरव्यू में महिलाओं ने इस बात को बोला था कि बीजेपी की सरकार में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में जो हुआ, जो परेड महिलाओं की कराई गई निर्वस्त्र करके, वो किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराई जा सकती। सही तो छोड़िए दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक भी बार मणिपुर गए ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बना करके राहुल गांधी को सपोर्ट करने का एक मोटिव ये भी है कि जो हमारे लिए बोल रहा है सदन में जा करके, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल से हम यही चीज़ें देख रहे हैं, मसीह सताव बढ़ता जा रहा है और मसीह लोगों के लिए कोई भी बोलने वाला नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने मसीह लोगों को लेकर के भी बोला है, मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी दिखा चुका हूं। नहीं देखी है आपने, आप जाके हमारे चैनल पर देखिए,
कि मसीह लोगों के लिए भी वो बोल चुके हैं सदन में उसी दिन जिस दिन यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने वाली तस्वीर उन्होंने सदन में दिखाई थी कि अल्पसंख्यकों पर ये लोग हमला करवाते हैं। और अल्पसंख्यक कौन है? हम लोग, हम माइनॉरिटीज है, हमारी जो संख्या है हिंदुओं के मुकाबले बहुत कम है, मुस्लिम है उनकी भी हिंदुओं के मुकाबले बहुत कम है। और आपको पता है सताव कहाँ होता है? क्रिश्चियन लोगों पर, मुस्लिम लोगों पर, सिख लोगों पर, इन लोगों के ऊपर सताव किए जाते हैं क्योंकि इनकी जो संख्या है वो कम है, इनका जो वोट बैंक है वो कम है। जब राहुल गांधी हमारे हक की बात वहां पर कर रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें। और अभी मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है कि कैसे जो हिंदू लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को, क्योंकि अब लोगों को पता लग गया है कि धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उनको मूर्ख बनाया गया 10 साल से। और अब भी ऐसा ही सोचते हैं कुछ नेता, उनको लगता है कि अभी भी धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बना लेंगे। लेकिन अब ये वो जनता नहीं रही है, अब लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे धर्म की राजनीति करके ईसाइयों पर हमले कराए जाते हैं, मुस्लिमों पर हमले कराए जाते हैं, चर्चिस को तोड़ा जाता है, चर्चिस के अंदर घुस करके बेरोजगार दल के लोग पास्टरों को मारते हैं, मसीह लोगों को मारते हैं और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, खुलेआम घूमते हैं। आखिर ये ऐसे ही नहीं होता है दोस्तों, इसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट होती है तभी ये काम होते हैं। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स पर अपनी राय को लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप हमारी इस वीडियो को बिहार, पटना या पटना के आसपास कहीं से भी देख रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। 2 अगस्त सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पटना में, बिहार में एक चंगाई सभा होने वाली है। और ये चंगाई सभा मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय मानो लेने के लिए आ रहे हैं। इस चंगाई सभा में आप जरूर आएं, कैसी बीमारी परेशानी आपके जीवन में हो आप आकर के इस चंगाई सभा में अपने लिए प्रार्थना को करवाएं। परमेश्वर आपके जीवन से उस बीमारी को, उस परेशानी को, उस समस्या को जरूर दूर करेंगे। बहुत सारे लोग पटना की चंगाई सभा में आकर के आशीषित हुए हैं, आपके पास भी मौका है, आप जरूर आएं। आप सबके लिए वहाँ पर सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना की जाएंगी। स्क्रीन पर अभी आप ये एड्रेस देख सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप जरूर आएं और अपने साथ और लोगों को भी लेकर के आएं।